हेलो फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हर किसी का सपना होता है कि मैं आईपीएस बनो, आईएएस बनो, आईटीओ बनो। क्या आपका भी सपना है इनकम टैक्स ऑफिसर बनना? अगर आप चाहते हैं कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर इस देश की सेवा करना चाहते हैं, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, आप रेड लाइट की गाड़ी में बैठ कर घूमना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने? इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है और हमें कौन कौन से एग्जाम पास करने होंगे इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए, ये हम आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है। इनकम टैक्स ऑफिसर का एग्जाम देने के लिए हमें एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। चाहे वो ग्रेजुएशन आप बीकॉम में करें, चाहे आप बीबीए करें यानी कि बी आर्ट से करें, या फिर आप बीएससी करें, किसी भी स्ट्रीम के अंदर अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर की जो एग्जाम होती है उस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड है। मीन्स आप जो एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम के लिए फॉर्म एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की यहां पर ग्रेजुएशन की जरूरत है। अब हम बात कर रहे हैं एज लिमिट, क्योंकि हर किसी जॉब का एक एज लिमिट होता है। नॉर्मल एप्लीकेंट के लिए जो एज है वो 18 इयर्स टू 30 इयर्स है। मींस आपकी एज मिनिमम 18 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। ये कब है? जब आप ये एप्लीकेंट फॉर्म एप्लीकेशन कर रहे हो या फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो उस समय तक की एज है, आपकी एज 30 इयर्स से बिलो होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे रखी है, यानी कि आप 33 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST के लिए 5 वर्ष की अलग से छूट दे रखी है, यानी कि आप 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक एज लिमिट है। इस एज लिमिट के अंदर अगर आप हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। देन प्रोसेस फॉर बिकमिंग इनकम टैक्स ऑफिसर। अब हम बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए हमें कौन सा एग्जाम पास आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको SSC CGL एग्जाम पास करना है। ये SSC CGL एग्जाम जो होता है वो पूरे इंडिया लेवल के ऊपर पार होता है और ये ईयर्स में होता है, यानी कि ईयर में एक बार ये एग्जाम होता है। SSC का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड CGL का फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। अब हम बात कर रहे हैं कि SSC के अंदर कितने लेवल में ये एग्जाम होता है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर बनना इतना इजी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं और इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बन सकते। तो सबसे पहला SSC CGL एग्जाम पैटर्न 3 लेवल में होता है। लेवल 1, अगर आप लेवल 1 पास करते हैं तो आपको लेवल 2 का एग्जाम देना है, और अगर आप दोनों लेवल पास करते हैं तो आपको लेवल 3 का एग्जाम देना है। अब इस लेवल के अंदर कौन कौन से पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट है वो हम कवर करते हैं। फर्स्ट लेवल 1 टायर 1, जिसके अंदर एक पेपर होता है, जिसके अंदर एक पेपर होता है जिसमें 4 सब्जेक्ट है और चारों सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है वो इक्वल है। सबसे पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल 50 मार्क्स का ये पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस ये भी 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का पेपर है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड ये भी 25 50 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड इंग्लिश कॉम्प्रेंशन 25 50 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 100 टोटल क्वेश्चन होंगे जिसके 200 मार्क्स होंगे। अब ये जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो जिसमें से आपको 2.5 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, और आपको ये पेपर करने के लिए जो टाइम दे रखा होता है वो 60 मिनट का दे रखा होता है, यानी कि 60 मिनट के अंदर आपको ये 100 क्वेश्चन करना है, जिसमें 25 25 25 25 चार मॉड्यूल्स के अंदर कवर है। अब ये एग्जाम अगर आप पास आउट करते हैं, इस एग्जाम का पास आउट करने के बाद में आपको लेवल 2 का एग्जाम देना है जिसको हम बोलते हैं टायर 2। लेवल 2 के अंदर 4 अलग अलग पेपर होते हैं जिसके 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहला है क्वांटिटी एबिलिटी जो 100 क्वेश्चन है और जिसका मार्क्स है यहाँ पर 200, यानी कि पर क्वेश्चन 200। ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, जिस तरह से लेवल 1 का जो एग्जाम होता है उसी तरह से ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसके अंदर 200 क्वेश्चन होता है और मार्क्स कितने हैं 200, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 नंबर का। देन स्टेटिक्स के अंदर
100 क्वेश्चन होंगे 200 और 100 क्वेश्चन 200, यानी कि ये इंडिविजुअली एग्जाम होंगे, प्रति एवरी सब्जेक्ट के इंडिविजुअल एग्जाम होंगे और एवरी सब्जेक्ट के इंडिविजुअल एग्जाम्स के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाना है, यानी कि 120 मिनट्स के अंदर आपको ये 100 क्वेश्चन करना है, ये 200 करना है, ये 100 करना है और ये भी 100 करना है, यानी कि टोटल 800 का पेपर होता है। अब 800 का पेपर अगर आप पास आउट करते हैं, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव है और ये भी एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होगा, तो 100 मार्क्स का ये पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे, चारों पेपर आपको अलग अलग डेज के हिसाब से होंगे, टाइम टेबल आपको उसके हिसाब से एसएससी सीजीएल पैटर्न के हिसाब से आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप ये दोनों एग्जाम पास करते हैं, कौन कौन से, लेवल 1 और लेवल 2 एग्जाम पास करते हैं, तो आपको लास्ट में लेवल 3 का एग्जाम पास करना होता है। और ये जो लेवल 3 का एग्जाम है ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे और ये जो एग्जाम होगा ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन एग्जाम में आपको राइटिंग लिखना है, इंग्लिश और हिंदी के नॉर्मल पेपर होंगे, राइटिंग ऑफ एसे, प्रेसेस, लेटर एंड एप्लीकेशन, और ये जो पेपर होगा ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, और एक इस पेपर को करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो ये 3 लेवल पास करने हैं, लेवल 1 अगर आप पास करते हैं तो लेवल 2 का एग्जाम देना है, लेवल 2 पास करते हैं तो आपको लेवल 3 का एग्जाम देना है। इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा इसके हिसाब से आपको एवरेज कैलकुलेशन करेंगे, एवरेज कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपके मार्क्स कट ऑफ में आते हैं, जो एक कट ऑफ हो जाता है किसी भी एग्जाम का कि अगर आपके 70% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप इस एग्जाम में पास आउट है, अगर आपके 70 मार्क्स से नीचे है तो आप इस एग्जाम के लिए पास आउट नहीं है, आप फिर से एग्जाम दीजिएगा। तो अगर आप 75% से अबोव फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं कि अगर आपका कट ऑफ इस एग्जाम का 70% है, अगर आपके 71 है तो ये एग्जाम आप पास कर चुके हैं। एग्जाम पास आउट करने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ, आपने कोई फ्रॉड डिग्री नहीं ली हुई है, तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आप इस जॉब के लिए सही हो जाते हैं, दैट मींस ये जॉब आपके लिए पक्की हो जाती है। तो इतने एग्जाम आपको पास करने होते हैं और इतने एग्जाम देना इजी नहीं है, आपको इस किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से इसकी कोचिंग लेनी पड़ेगी और फुल डे और फुल नाइट आपको इसी के बारे में सोचना है जब तक इसके एग्जाम नहीं हो जाते। और इसके अंदर और कुछ क्राइटेरिया होते हैं, यानी कि सिंपल है, जैसे जैसे आप एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर इंटर हो जाते हैं वैसे वैसे आपके इंटर डिपार्टमेंट के एग्जाम्स होते हैं, जो इंपोर्टेंट अटेंडेंस एग्जाम होते हैं उसमें भी आप पास आउट होकर आप अपनी पोस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो नॉर्मली फर्स्ट में आपकी सैलरी 60,000 से ऊपर जाती है, यानी कि 60,000 मिनिमम सैलरी होगी इसकी, इसके बाद जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिएगा, आपके आसपास में बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, वहां पर जाकर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करिएगा, कोचिंग लीजिएगा और पूरा माइंड आप फोकस आप इस इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए बना के रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको ये सही इन्फॉर्मेशन मिली है इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने। तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर और कमेंट है, आपको कुछ और सीखना है या और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।